हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। दिस क्वेश्चन से ए कॉनकेव स्फेरिकल सरफेस ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 10 सेंटीमीटर सेपरेट्स टू मीडियम्स एक्स एंड वाई ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडिसेस 4/3 एंड 3/2 रिस्पेक्टिवली। सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द सरफेस लाइज इन द मीडियम एक्स। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन मीडियम एक्स। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन आर करेक्ट। तो इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है कि एक कॉनकेव स्फेरिकल सरफेस है जिसकी की रेडियस ऑफ कर्वेचर है 10 सेंटीमीटर और वो दो मीडियम को हमारी सेपरेट कर रही है ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 एंड 3/2 रिस्पेक्टिवली। और जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और जो सरफेस का है वो मीडियम एक्स में लाई कर रहा है और जो ऑब्जेक्ट है वो भी हमने एक्स मीडियम में रखा है। तो हमें बताना है कौन सा ऑप्शन जो है करेक्ट है। तो इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट है वो है इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल सर्फेसेस। तो सपोज एक हमारा कॉनकेव स्फेरिकल सरफेस है, ये हमारा मीडियम एक्स में जो है इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है। तो सपोज ये हमारी हो गई प्रिंसिपल एक्सिस। और क्या दिया गया है हमें इस क्वेश्चन में, ये जो है हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर है सी, और जो कि एक्स मीडियम पे हमारा लाई कर रहा है, और जो हमारा वाई मीडियम है वो दूसरा मीडियम जो है इस साइड है। और जो दूसरी चीज़ें क्या दी गई है, हमारा जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है एन ऑफ एक्स जो है वो है 4/3 और एन ऑफ वाई है वो है हमारा वो कितना है हमारा 3/2। और क्या दिया गया है, जो ऑब्जेक्ट है वो हमारा वो कहाँ पे है, वो है हमारा इसी मीडियम में एक्स मीडियम में, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो मीडियम एक्स पे जो है हमारा रखा गया है। तो अगर हम देखें हमें क्या दिया गया है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एक्स मीडियम क्या है 4/3 है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाई मीडियम क्या है वो है 3/2। तो अगर हम चेक करें तो अगर हम इनका एलसीएम लें तो एन एक्स इज इक्वल टू हमें मिलेगा 8/6 और जो एन वाई मिलेगा वो मिलेगा हमको 9/6। तो इसका मतलब क्या है कि एन वाई इज ग्रेटर देन एन एक्स है, इसका मतलब जो है ये जो है वो डेंसर मीडियम है और ये जो है हमारा रेयरर मीडियम है। तो अगर हम इसका आप रे डायग्राम बनाएं तो ये ऑब्जेक्ट से सपोज एक रे जा रही है कुछ इस तरीके से, तो ये रे जो है इस इंटरफेस को जो है जब हिट करेगी ये जो है हमारा नॉर्मल हो गया, ये है हमारा नॉर्मल। तो जब ये नॉर्मल को हिट करेगी नॉर्मल, क्योंकि हमारी जो रे है वो रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रही है, तो ये क्या करेगी टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो जाएगी। ये तो टूवर्ड्स द नॉर्मल हमारी कुछ इस तरीके से हमारी ये रे जो है वो बेंड हो जाएगी। रे हमारी टूवर्ड्स दी नॉर्मल बेंड होगी। अगर हम कोई दूसरी रे लें, अब सपोज ये रे जो है दूसरी वाली जो रे है वो कुछ यहाँ से आ रही है और सपोज ये हमारा नॉर्मल है इस पॉइंट पे, तो ये हमारा हो गया नॉर्मल। तो अगर हम इस वाली दूसरी बीम को देखें, दूसरी रे को देखें, तो हमें क्या मिलेगा कि ये वाली जो रे है ये भी कुछ ऐसे बेंड हो जाएगी टूवर्ड्स दी नॉर्मल की तरफ। तो हमें क्या मिलेगा, जो इमेज मिलेगी इस ऑब्जेक्ट की वो कहाँ पे मिलेगी, अगर हम देखें इन दोनों लाइनों को मिलाएं तो कुछ जो है इधर पे और ये वाली लाइन को हम पीछे की तरफ मिलाएं, तो हमें जो इमेज मिलेगी वो वर्चुअल इमेज मिलेगी, क्योंकि ये जो रेज हैं वो डाइवर्जिंग रेज हैं। तो हमें क्या मिलेगी, एक वर्चुअल इमेज मिलेगी आई जो है यहाँ पे हमें मिलेगी। तो ये हमारी होगी वर्चुअल इमेज, आप कहीं पे भी रखेंगे क्योंकि ये एक क्या है रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रही है और ये कॉनकेव सरफेस है। तो हम क्या लिख सकते हैं, इमेज इज ऑलवेज वर्चुअल, जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा सी, इमेज इज ऑलवेज वर्चुअल। तो इमेज इज ऑलवेज वर्चुअल हमारा जो ऑप्शन सी है वो हमारी करेक्ट है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन वेरी वेल। बेस्ट ऑफ लक।